कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन आपका ग्राम योजना का शुभारंभ किया था, दो लोगों को गाड़ी की चाबी देके। अब ये गाड़ियां निरंतर बनती जा रही हैं और मुझे खुशी है कि ये गाड़ियां कोई सरकारी गाड़ियां नहीं है, ये हमारे वो नौजवान हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उन्हीं को सरकार गाड़ियां फाइनेंस करवा रही है, उनकी गारंटी मार्जिन मनी भरने की व्यवस्था कर रही है और वही इन गाड़ियों को लेके गांव में जाएंगे। गांव के दिन तय रहेंगे कि कौन से गांव में किस दिन गाड़ी आएगी। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है, वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। कई भाई और बहन विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में टोले मजरे फालिए, तो एक ग्राम पंचायत में एक दुकान में कई गांव पड़ते थे, कई टोले मजरे फालिए पड़ते थे और उनको कई बार बहुत दूर राशन लेने जाना पड़ता था। अब उनके टोले मजरे में ही गाड़ी आ जाएगी, उनको राशन देगी। कल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, नहीं तो आने जाने में ही परिश्रम भी होता था, पैसा भी लग जाता था। एक बड़ी सुविधा राशन आपके ग्राम, ये जो कल शुभारंभ किया था, एक साथ सब जगह नहीं हो पा रहा है, 89 ब्लाक है हमारे, तो पहले चरण में जो 89 ट्राइबल ब्लाक हैं उनमें ये गाड़ियां तैयार होती जा रही है, जाते जा रही है।